नमस्कार, आप देख रहे हैं समाज एटीजेड। महारानी खेड़ा ग्राम प्रधान ने दिवाली से पहले शौचालय प्रधानमंत्री के सपनों पर पानी फेरा। 2 अक्टूबर 2018 को शासन के द्वारा ODF घोषित करने की जल्दबाजी ने ग्राम सभाओं में शौचालय की स्थिति बद से बदतर बना दी। मानकों की अनदेखी करके 10 से 15 के मसाले से निर्मित शौचालय अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहे हैं। शौचालय के निर्माण में जो छत पड़ी हुई है उसमें एक भी सरिया का प्रयोग न होना इस बात का प्रमाण है कि वह छत किसी भी समय धराशायी हो सकती है। यह तो तय है कि भारत सरकार का प्रयास कि हम दिवाली से पहले शौचालय का निर्माण करा देंगे और भारत वर्ष को खुले में शौच मुक्त देश घोषित करेंगे, लेकिन सरकार के नुमाइंदे भारत के प्रधानमंत्री के अरमानों पर सीधे माथा डालने का काम कर रहे हैं। जी हाँ, ऐसा ही नजारा कुछ उन्नाव जनपद के विकास खंड हिलौली के ग्राम सभा महारानी खेड़ा में देखने को मिला है, जहाँ भ्रष्टाचार अपनी पराकाष्ठा को पार कर गया। और जब समाज A to Z के प्रतिनिधि उस गांव में पहुंचे तो वहां का नजारा ही कुछ उल्टा देखने को मिला। शौचालय जो बन रहे हैं उसमें मानकों की घोर अनियमितता बढ़ती गई है। ग्राम लोगों का कहना है कि शौचालय रंग पोत के तो ठीक कर दिए गए हैं, लेकिन इनकी आयु अधिक लंबी नहीं है। कहीं ना कहीं तो देखने को मिला है, एक तरफ शौचालय बन गए हैं, दूसरी तरफ शौचालय हवा के ही एक हल्के से झोंके से धराशायी हो गए। महारानी खेड़ा में गंदगी का साम्राज्य व्याप्त है, चारों तरफ कूड़े के ढेर हैं। गांव के अंदर घुसने का जो रास्ता है उसमें भी नालियां बज बजा रही हैं, सड़कों पर पानी है। अब देखने वाली बात तो यह होती है कि किस प्रकार से शौचालयों का निर्माण होता है और यह शौचालय क्या टिकाऊ है या फिर भ्रष्टाचार की बलि बेदी पर चढ़े रहेंगे। क्या इन पर कोई विभागीय जांच होगी, क्या इन पर कोई दंडात्मक कार्रवाई होगी, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। समाज A to Z के लिए उन्नाव से पवन सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है? रूपजी देवी। किस गांव में रहती हो? महारानी। आपका शौचालय का पूरा काम हो गया? अभी नहीं। क्यों? यही पानी की वजह से नहीं हुआ। अभी तक बारिश हो रही है? बारिश होती है, अब सूखा है भाई, अब 10-15 दिन से नहीं बरस रहा। शौचालय आपके हिसाब से ठीक बना? अब ठीक है ही, हमारे हिसाब से हमारी जगह में है तो अब ठीक है ही। किस गांव में रहती हो? महारानी खेड़ा। आपको कॉलोनी मिली? नहीं। किसी से कहा? हमने कई बार प्रधान के पास भेजा, कोई नहीं भरा। मेरे पास कॉलोनी कह रहा कि अभी नहीं मिलेगी। प्रधान क्या कहता है? कह रहा कि अभी नहीं मिलेगी। बोलो। कह रहे हैं कि लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं है, तुमको राशन कार्ड भी अभी नहीं मिलेगा, कॉलोनी भी अभी नहीं। शौचालय मिला? कुछ भी नहीं। और आपको राशन मिलता है? कुछ भी नहीं, राशन भी नहीं मिलता। आपके पास कार्ड है? कार्ड नहीं। राशन नहीं मिलता तो कार्ड नहीं। और कहीं शिकायत नहीं क्या इसको लेकर के? नाम है? बिंदा देवी। किस गांव में रहती हो? महारानी खेड़े में। अच्छा, जो आपका शौचालय बना है ठीक बना है? गलत बना। कितने का मसाला चला? 6-1 का। 6-1 का मसाला चला। अभी तक गड्ढे पूरे क्यों नहीं हुए? अब पूरे दीदी करे नहीं तो हम करें। क्या नाम है? कमल किशोर। किस गांव में रहते हो? महारानी खेड़ा। आपको शौचालय मिला? मिला। कैसा बना? शौचालय ठीक है। और इसके जो गड्ढे हैं मानक, वो मानक के हिसाब से गड्ढे सही हैं? कितनी गहराई है? 3 फुट। कितने का मसाला चला था? 6-1 का। इसकी जो जमीनी नहीं है वो कितनी होगी? 2 रदे की। 2 रदे की। क्या ये आपके अनुसार से मजबूत बना हुआ है? गलत, गिर जाएगा। गिर सकता है? आप पानी।